दोस्तों जय हिंद, स्वागत करते हैं आपका फिर से हम अपने YouTube चैनल GS स्टडी प्रो में। दोस्तों झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा इस वक्त एक फिर से नई वैकेंसी निकाली गई है। जी हां दोस्तों, एक बार फिर से नई वैकेंसी निकाली गई है जिसका आप लोगों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। देख लीजिए, यह वैकेंसी जो है वो विज्ञापन संख्या 7/2022 के रूप में निकली है। इंटरमीडिएट झारखंड इंटरमीडिएट स्तर कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकन अर्हता धारक पद हेतु संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 नियमित रिक्ति। दोस्तों इसी का बैकलॉग रिक्ति पर भी निकला है, उसका भी एडवर्टाइजमेंट आ गया है दोस्तों। ठीक है, तो देख लीजिए एक नया वैकेंसी निकल आया है। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स देखेंगे कि इस वैकेंसी के लिए आप कब से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यह वैकेंसी किन कैंडिडेट को भरने में उनको अर्हता देगी, यानी कौन से कैंडिडेट इसको भर सकते हैं, क्या क्या इसकी अर्हता है, कितने इसमें आपका पद है और कितना इसमें सैलरी मिलेगा, कब से फॉर्म भराएगा, किस टाइप से इसका सिलेक्शन किया जाएगा, यानी कि सारा प्रोसेस हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी तरह से JSSC और अदर एग्जामिनेशन का लेटेस्ट अपडेट इस चैनल पर आपको मिलेगा। साथ ही साथ यह जो PDF है दोस्तों वो JSSC के ऑफिशियल साइट पे अवेलेबल है, और अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दोस्तों आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए देखते हैं कि इस वैकेंसी में क्या क्या बताने और जानने योग्य बातें हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, देख लीजिए दोस्तों, यह वैकेंसी निकल के आई है झारखंड इंटरमीडिएट स्तर कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकन अर्हता धारक पद के लिए। साथ ही साथ यह संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 की नियमित भर्ती है, और जिसके ऑनलाइन आवेदन जो है वो आमंत्रित किए जाएंगे। उसका डेट है दोस्तों वो 20/5/2022 से किए जाएंगे। ठीक है, और ऑनलाइन जो है दोस्तों आप आवेदन भर सकते हैं jssc.nic.in पर लॉगिन करके समर्पित कर सकते हैं। इसका परीक्षा शुल्क की बात करें दोस्तों तो वो है आपका ₹100, वही परीक्षा शुल्क की छूट मिलेगी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए ₹50। ठीक है, और दिव्यांग वाले या फिर जो भी 40% या इससे अधिक निःशक्तता दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनको परीक्षा शुल्क में छूट अनुमान्य है। झारखंड के स्थानीय निवासी अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के कोटि से इतर के कोटि अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जाएगी, और बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे, साथ ही वे रद्द माने जाएंगे, रद्द कर दिए जाएंगे, और परीक्षा शुल्क जो होगा दोस्तों वह नॉन रिफंडेबल होता है। ठीक है, तो देख लीजिए विज्ञापन जो है दोस्तों वो इस प्रकार से निकला है, और इसमें रिक्तियों की हम लोग बात करें कि कौन कौन से डिपार्टमेंट से कितने कितने रिक्त पद हैं, इसमें हम लोग जल्दी जल्दी से सभी डिपार्टमेंट में देख लेते हैं। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कुल 986 पदों पर वैकेंसी निकली है, यानी कि कुल 986 पदों से भी अधिक, ठीक है, इसमें आदमियों को यानी अभ्यर्थियों को नौकरी मिलेगी। ठीक है, लेवल 4 और लेवल 2 की वैकेंसी है यह। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं कि किस प्रकार से किया गया। तो देख लीजिए, रिक्तियों का विवरण इन्होंने पेश किया है कि निम्न वर्गीय लिपिक कार्यालय सह सहायक सह लेखा लेखापाल लेखा लिपिक एवं लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा। ठीक है, जिसमें कुल वैकेंसी दोस्तों वो 96 है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि कौन से कैटेगरी के लिए कितना कितना इसमें पद निर्धारित किया गया है। ठीक है, यह PDF जो है दोस्तों वो आपको चैनल पर JSSC के ऑफिशियल साइट पे मिल जाएगा, या तो फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ग्रुप में भी आपको यह PDF मिल जाएगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं। उसके बाद देख लीजिए दोस्तों, कुल 10 पदों पर निकली है। ठीक है, उसमें से दूसरा नंबर देख लीजिए, निम्न वर्गीय लिपिक कार्यालय सहायक सह कंप्यूटर ऑपरेटर एवं लेखा लिपिक सह लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा। इसमें कुल 256 पदों पर वैकेंसी निकली है। इसमें भी कैटेगराइज कर दिया गया है कि कौन से कैटेगराइज से कितनी कितनी वैकेंसी को निकाला गया है। ठीक है, SC ST OBC OBC1 OBC2, ठीक है, और EWS सभी के लिए निकाला गया है। वहीं देख लीजिए स्टेनोग्राफर, ठीक है, स्टेनोग्राफर के लिए स्पेशली स्टेनोग्राफर में निजी सहायक एवं नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा अनारक्षित के लिए 12, अनुसूचित जनजाति के लिए 17, अनुसूचित जाति के लिए 3, BC1 के लिए 2, BC2 के लिए 1 और EWS के लिए 2, यानी कुल इसमें 27 वैकेंसी निकली है। दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि यह स्टेनोग्राफर
ऑफर वाला जो है दोस्तों वो लेवल 4 का होता है, वैकेंसी होता है, ठीक है। और बाकी जितने भी अभी वैकेंसी आई हुई है इस विज्ञापन के द्वारा, वो सारी जो है वो लेवल 2 की वैकेंसी होती है। अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ कि लेवल 2 और लेवल 4 क्या होती है। तो वीडियो में आप आखिर तक बने रहें, वीडियो को जरूर से लाइक करते हुए रहें और मैं इसमें आपको सारा डिटेल्स बताते जा रहा हूँ। अगला देख लीजिए दोस्तों, चौथा नंबर में लिपिक के लिए अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के द्वारा कुल 104 पदों की वैकेंसी निकली है। कोटिवार इसमें वैकेंसी की सीट दिया हुआ है। उसके बाद देख लीजिए, निम्न वर्गीय लिपिक श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण प्रशिक्षण पक्ष के द्वारा 144 पदों पर वैकेंसी निकली है। यहाँ पर भी सभी पदों के लिए सेपरेट सेपरेट संख्या लिखा हुआ है। वहीं निम्न वर्गीय लिपिक वाणिज्य कर विभाग के द्वारा भी दोस्तों 97 पदों पर निकाला गया है। निम्न वर्गीय लिपिक श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग नियोजन पक्ष पे 77 पोस्ट इसमें निकाला गया है। उसमें भी सभी पदों पर अलग अलग सेपरेट सेपरेट वैकेंसी निकाली गई है। निम्न वर्गीय लिपिक श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा कर्मचारी राज्य योजना के कार्यालय अस्पताल अब्लिक चिकित्सालय के लिए कुल 36 वैकेंसी दोस्तों इसमें निकाला गया है। और निम्न वर्गीय लिपिक परिवहन विभाग के अधीन क्षेत्रीय कार्यालय में 104 वैकेंसी इसमें भी टोटल निकाला गया है। सभी का आप देख सकते हैं कि कौन से पोस्ट में कितने कितने उसमें नंबर हैं, ठीक है, पोस्ट कितने खाली हैं, कितने रिक्त पद हैं। और निम्न वर्गीय लिपिक खान एवं भूतत्व विभाग खान निदेशालय का 45 वो उसमें भी सीट निकल गया है। दोस्तों कोटिवार रिक्तियों की संख्या अधियाची विभाग से अनुरोध के आलोक में संशोधित की जा सकती है, अर्थात 986 पद जो भी इसमें दिख रहा है 986 इन पदों पर फेरबदल हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है दोस्तों, ठीक है। अब भी देख लीजिए कि परीक्षा के लिए आवेदन देने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित हो ले कि वे विज्ञापित पद की पात्रता के विषय में प्रकाशित सभी शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः औपबंधिक होगी, ठीक है। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना प्रमाणित नहीं करता है कि अभ्यर्थी जो है वो विज्ञापित पद के लिए नियुक्त हो चुका है, क्योंकि आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा के बाद सफल अभ्यर्थियों की पात्रता से संबंधित प्रमाण पत्रों की जांच करेगा, तब उसके बाद उसका मेरिट लिस्ट निर्धारण किया जाएगा, तभी जाके वो सफल माना जाएगा। उसके बाद देख लीजिए दोस्तों कि उसके लिए जो भी वैकेंसी निकली है उसमें कितने शैक्षणिक योग्यता चाहिए होता है, ठीक है। उसके बाद उसका वेतनमान जो है दोस्तों वो क्या होने वाला है, तो देख लीजिए, स्टेनोग्राफर निजी सहायक नगर विकास एवं आवास विभाग समूह ग अराजपत्रित का यह वैकेंसी है, जिसमें पे मैट्रिक्स लेवल 4 के लिए 25,500 से 81,100 इसका लेवल होता है, ठीक है। अभी मैंने बताया था कि लेवल 4 क्या होता है, तो देख लीजिए लेवल 4 में ये इस तरह से आपको वेतनमान मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। और उसका जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगा दोस्तों वो होगा आपका किसी भी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय संस्थान से इंटरमीडिएट या +2, ठीक है। और इसके लिए आपको कौशल परीक्षण होना चाहिए, यानी आपके पास एडिशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। तो आशु लिपिक परीक्षा में सफल होने के लिए अभ्यर्थियों को हिंदी टंकन में 30 शब्द प्रति मिनट, ठीक है दोस्तों, 30 शब्द प्रति मिनट तथा हिंदी आशु लेखन में, आशु लेखन जी हाँ दोस्तों, उसमें 80 शब्द प्रति मिनट तथा अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को हिंदी आशु लेखन में वही 80 शब्द ही रखने चाहिए। साथ ही साथ हिंदी टाइपिंग में उनको 5 शब्द की छूट मिलेगी, अर्थात 25 शब्द प्रति मिनट की गणना की जाएगी। तो इस प्रकार से अगर आप आशु लिपिक परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो आपको हिंदी टाइपिंग में 30 शब्द पर मिनट आपको टाइप करने होंगे। वहीं जो आशु लेखन होगा, जी हाँ दोस्तों, शॉर्ट हैंड वाला जो लेखन होता है, ठीक है, स्टेनो का जो शॉर्ट हैंड वाला लेखन होता है उसमें आपको 80 शब्द प्रति मिनट टाइप करना होगा, ठीक है। वहीं पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को भी 80 शब्द ही टाइप करना होगा, सिर्फ उनको 30 शब्द जो टाइप करने हैं हिंदी टंकन में उसमें से उसको 5 शब्द की छूट मिलेगी, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए जितने भी इसके अलावा पद हैं, ठीक है, चाहे वो निम्न वर्गीय लिपिक कार्यालय सह लेखापाल लेखा सह लिपिक हो, या तो फिर कंप्यूटर लेखा हो, या तो फिर कोई भी हो, इनमें से जितने की आप देख पा रहे हैं सभी के लिए दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ 25 शब्द प्रति मिनट जो है वो टाइप करने होंगे, यानी कि 250 शब्द आपको 10 मिनट में टाइप करने होंगे कंप्यूटर पर। इसमें उत्तीर्णता प्राप्त करने के लिए आपको 2% की गलतियां आपको माफ़ कर दी जाएगी, ठीक है, और उसको
पास कर दिया जाएगा। अगर वो 2% से ज़्यादा करते हैं तो वे अयोग्य घोषित हो जाएंगे। और अभी जितनी भी, हाँ ठीक है, अभी जितनी भी स्टेनोग्राफर वाला यानी कि ये वाला वैकेंसी को छोड़कर, ठीक है, बाकी जो भी पद हैं उसका जो है दोस्तों वो पे मैट्रिक्स लेवल 2 है और 19,900 से 63,002 के बीच में इसका वेतनमान होगा। तो ये हो गया लेवल 2 और लेवल 4 का वैकेंसी का विवरण। उसके बाद न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में अभ्यर्थियों से उपरोक्त पद के विरुद्ध आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक उक्त तालिका में स्तंभ 4 में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता धारित करना अनिवार्य होगा। साथ ही साथ ऑनलाइन आवेदन देने की अंतिम तिथि को रेफरेंस डेट माना जाएगा। और अगर इस तिथि तक आपका अगर शैक्षणिक योग्यता नहीं आता है तो आप इस फॉर्म को भरने में क्या अयोग्य समझे जाएंगे। साथ ही साथ उपर्युक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को 10वीं और मैट्रिक की जो परीक्षा है तथा इंटरमीडिएट और प्लस टू की जो कक्षा है वो झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से ही उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा और स्थानीय रीति रिवाज एवं भाषा एवं परिवेश का ज्ञान अनिवार्य होगा। लेकिन जो भी कैंडिडेट जो है दोस्तों वो आरक्षण नीति से आच्छादित होते हैं उस कंडीशन में यह छूट रहेगा। देख लीजिए यहाँ पे खेलकूद से भी रिलेटेड बताया गया है कि किस प्रकार से खेलकूद वालों को भी आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आयु सीमा की गणना की बात करें यानी कि एज कटअप की बात करें कि कौन सा अभ्यर्थी कितने एज के इसमें भर सकते हैं, तो इसमें अगर एज कटअप की हम लोग बात करते हैं दोस्तों तो निम्न वर्गीय लिपिक, कार्यालय से लेखा लिपिक वाले के लिए यानी इन चार पदों के लिए, ठीक है, इन चार पदों के लिए दोस्तों आपको 1/8/2021 न्यूनतम और अधिकतम 1/8/2021 ही रखा गया है। वहीं इन बाकी जो भी पद हैं, ठीक है, बाकी जो 6 पद हैं उसके लिए 1/8/2022 जो है दोस्तों न्यूनतम और 1/8/2022 जो है दोस्तों वो अधिकतम रखा गया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि न्यूनतम उम्र सीमा जो है दोस्तों वो कितनी है, तो वह है आपका 18 वर्ष, ठीक है, और अधिकतम उम्र सीमा के संबंध में अलग अलग रखा गया है, ठीक है। वहीं देख लीजिए आप जो EWS कैंडिडेट होंगे और जनरल कैंडिडेट होंगे उनको जो है वो रेफरेंस डेट तक 35 वर्ष उनका होना चाहिए अधिकतम, ठीक है, और जो अत्यंत पिछड़ा यानी OBC1 और OBC2 होंगे के पुरुष होंगे उनको 37 वर्ष मिलेगा। वहीं महिला कौन कौन से अनारक्षित EWS और EBC1 EBC2 के लिए 38 वर्ष और SC ST का मेल एवं फीमेल दोनों के लिए 40 वर्ष की अधिकतम उम्र सीमा की छूट मैंने निर्धारित किया गया है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद सभी कोटि के निःशक्त अभ्यर्थियों को लिए अधिकतम जो है वो दोस्तों 10 वर्ष की अतिरिक्त छूट दिया जाएगा, ठीक है, अगर उनका निःशक्तता जो है वो कम से कम 40% हो या उससे अधिक हो तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख लीजिए कि किस प्रकार से नीचे आते हैं, बस इसमें निःशक्तता से संबंधित है। उसके बाद यहाँ पात्रता की बात किया हुआ है, तो आप पात्रता के संबंध में मैंने बता ही दिया कि सबसे पहले इसमें तो कि आपको मैट्रिक स्तरीय होना चाहिए, मैट्रिक और इंटर जो है दोस्तों वो आपको झारखंड राज्य में अवस्थित किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से होना चाहिए। साथ ही साथ आपको स्थानीय रीति रिवाज और भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका पात्रता के संबंध में। उसके बाद देख लीजिए दोस्तों आरक्षण से संबंधित इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से आपका स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होगा। इसके संबंध में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से रेफरेंस डेट का आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट कौन कौन से इसमें मान्य होंगे, ठीक है, और साथ ही साथ कौन से सक्षम पदाधिकारी के द्वारा यह मान्य होंगे, चाहे वो कास्ट सर्टिफिकेट हो, AWS सर्टिफिकेट हो, ठीक है, क्रिमिलेयर नॉन क्रिमिलेयर हो या तो फिर रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट हो, इन सभी के संबंध में मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि इनसे इनका कौन कौन सा मान्य होगा। प्रक्रिया करने की विभिन्न तिथियां, ठीक है दोस्तों, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सूचना दर्ज करने के लिए आपको 20/5/2022 से 19/6/2022 तक का मध्यरात्रि तक का समय मिलेगा। परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए आपको 22/6/2022 तक का समय मिलेगा। फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करके प्रिंटआउट लेने के लिए आपको 25 जून तक का समय मिलेगा। और अगर आपका कोई अशुद्ध प्रविष्टि हो जाता है तो उसको सुधारने के लिए आपको 26 जून से 30 जून तक के टाइम को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद परीक्षा शुल्क को भुगतान करने के लिए इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से आपको करना है। आप यहां से इसको पढ़ लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही इजी प्रोसेस है। और जब आप ऑनलाइन आवेदन करिएगा तब भी आपको वो स्टेप बाय स्टेप पता चल जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देख लीजिए परीक्षा का स्वरूप किस प्रकार से होगा, किस प्रकार से इसमें परीक्षा पूछा जाएगा दोस्तों। यह सबसे पहले बता देना चाहता हूँ, OMR बेस्ड परीक्षा होगा, ठीक है, OMR पर आधारित परीक्षा होगा। और अगर परीक्षा अगर विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, जैसा कि आपको पता होगा, ठीक है, कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो विभिन्न शिफ्ट में अगर होता है, अलग अलग शिफ्ट में होता है तब उसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। उसके बाद इसका एक ही परीक्षा होगा अर्थात मुख्य परीक्षा होगा, और इसमें सभी प्रश्न जो है वो दोस्तों 3 अंक का होगा। और साथ ही साथ अगर आप गलती करते
करते हैं तो आपको तीन अंक दिए, एक अंक की कटौती कर लिया जाएगा। अगर आप सही करते हैं तो आपको एक प्रश्न पे तीन अंक मिलते हैं, और गलत करते हैं तो एक अंक की कटौती सही में से काट लिए जाएंगे। ठीक है, भाषा विषयों को छोड़कर अन्य विषयों के प्रश्न जो है वो दोस्तों हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होंगे। ठीक है, और मुख्य परीक्षा की बात करते हैं तो इसमें तीन पत्र होंगे, और यह परीक्षा जो है वो तीन पालियों में ली जाएगी, और प्रत्येक पत्र के लिए दो घंटा की अवधि निर्धारित की गई है। पहला पत्र में आपका भाषा ज्ञान होगा, जिसमें 60 प्रश्न आपका हिंदी भाषा का और 60 प्रश्न अंग्रेजी भाषा ज्ञान पर आधारित रहेगा। कुल 120 प्रश्न रहेंगे, दो घंटा की आपको इसमें अवधि रहेगी। 30% अगर आप इसमें लाते हैं तो आप इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है, और इस पत्र में अगर आपको 30% से ज़्यादा भी आता है तो आपको जो मेगा सूची निर्धारण किया जाएगा दोस्तों, यानी मेरिट लिस्ट का जो निर्धारण किया जाएगा उसमें यह अंक नहीं जोड़ा जाएगा। उसके बाद पत्र दो जो होता है वो आपका क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा होता है, इसमें कुल प्रश्न 100 होते हैं, यानी कि 100 होते हैं, और आपकी परीक्षा की अवधि जो है दोस्तों वो दो घंटे की होगी। इसमें आपको उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, करमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया में से किसी एक भाषा पर का आपको विकल्प के रूप में चुनना है, और उसमें से आपको 100 जो है वो बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे, और इसमें आपको कम से कम 30% अंक लाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आप इसमें भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। उसके बाद पत्र तीन जो होता है दोस्तों वो सामान्य ज्ञान पर होता है, 120 प्रश्न इसमें टोटल होते हैं, दो घंटे समय अवधि होता है। सामान्य अध्ययन से देख लीजिए दोस्तों, इसका सिलेबस है सामान्य अध्ययन, यानी जीके से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, और झारखंड जीके से आपको 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, और कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर पर हिंदी टंकन से संबंधित प्रश्न 50 होंगे। कुल 120 प्रश्न यहां पर हो जाते हैं, और इसमें भी आपको 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। सभी पत्र में आपको 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, और इससे अगर आप कम लाते हैं तो आपको जो है वो असफल माने जाएंगे, यानी कि आप अयोग्य हो जाएंगे। साथ ही साथ पत्र दो और पत्र तीन का जो आपका जो मार्क्स है दोस्तों वो कैलकुलेशन नहीं किया जाएगा, अगर आपका पत्र एक में 30% से कम मार्क्स आता है तो, और पत्र दो एवं तीन को ही मिलाकर आपका मेरिट लिस्ट का निर्धारण किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको देख लीजिए हिंदी भाषा का जो है दोस्तों अनुच्छेद आधारित प्रश्न जो होंगे वो होंगे आपके कुल 20, और वैज्ञानिक आधारित जो प्रश्न होंगे वो होंगे कुल 40। ठीक है, और इस विषय में हिंदी अपठित अनुच्छेद यानी आंसर पैसेज तथा हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न होंगे, तो अंतिम पैसेज से आपसे रिलेटेड हो गया आपका 20 को, और हिंदी व्याकरण से आपका हो गया 40 क्वेश्चन। ठीक है, और वहीं अंग्रेजी भाषा से दोस्तों जिसमें 60 प्रश्न है उसमें भी आपका अंग्रेजी अनुच्छेद पर आधारित 20 प्रश्न और अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित 40 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। ये हो गया आपका पत्र वन। पत्र दो अब जिसमें आपका क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा है, उसमें विभिन्न क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा का अलग अलग सिलेबस दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं और सिलेबस के अनुरूप ही आप इसमें तैयारी करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है दोस्तों वो पत्र तीन आता है। ठीक है, तो पत्र तीन में देख लीजिए सामान्य अध्ययन, इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग से संबंधित उनकी योग्यता की जांच करना है, वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं से सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी जैसी कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है, यानी करंट अफेयर्स वगैरह। इसमें झारखंड, भारत और पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं, झारखंड हो, भारत हो, या फिर पड़ोसी देशों से भी, यानी इसमें करंट अफेयर से भी पूछे जाएंगे। वैज्ञानिक प्रगति, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल, खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं एवं भारत का संविधान, राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, इतने सारे टॉपिक से इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद जो खंड ख है दोस्तों उसमें झारखंड राज्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसका आपको पता है 40 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे। 40 क्वेश्चन में से झारखंड की सभ्यता, संस्कृति, भाषा, स्थान, खान, खनिज, उद्योग, भूगोल एवं इतिहास तथा राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, साहित्य, विकास योजनाएं, खेल, खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियां, पुरस्कार, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय इत्यादि पूछे जाएंगे। दोस्तों आपको इससे अलग नहीं पढ़ना है, ये आपका सिलेबस दिया हुआ है, बस इतना ही पार्ट आपको पढ़ना है झारखंड जीके से, और इतना ही पार्ट से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे अधिक आपको नहीं पढ़ना है। दोस्तों आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जहां से सबसे ज्यादा अंक पूछे जाएंगे, यानी जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे, कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर पर हिंदी टंकन से संबंधित, इसमें कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों एवं संचालन की जानकारी एवं कंप्यूटर पर हिंदी टंकन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, और ये प्रश्न कुल 50 पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद
आंसू टंकन से रिलेटेड देख लीजिए, जिसमें आंसू टंकन का बात था स्टेनोग्राफर के लिए, उसका परीक्षण लिया जाएगा और इसमें अपेक्षानुसार अभ्यर्थियों की टंकन परीक्षण तथा आंसू लेखन टंकन की परीक्षा ली जाएगी और उत्तीर्णता के मानक निम्नवत होंगे। टंकन जाँच के लिए अभ्यर्थियों को हिंदी भाषा कृतिदेव 010 फॉन्ट होता है दोस्तों। इस फॉन्ट में आपको 25 शब्द प्रति मिनट की गति से 250 शब्दों को कंप्यूटर पर टंकित करना होगा। इसमें उत्तीर्णता प्राप्त करने के लिए 2% से अधिक गलतियां नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप फेल करार दिए जाएंगे, ठीक है। और आंसू लेखन एवं टंकन जांच में, आंसू लेखन एवं टंकन जांच में उत्तीर्णता प्राप्त करने के लिए अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर और मैंने BC1 BC2 के लिए 30 शब्द प्रति मिनट टाइप करना होगा। साथ ही साथ हिंदी आंसू लेखन में आपको 80 शब्द प्रति मिनट, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए 25 शब्द प्रति मिनट आंसू लेखन में, और आंसू लेखन में भी इनको 80 शब्द प्रति मिनट लिखना होगा। इससे कम गति वाले अभ्यर्थियों को आंसू लेखन एवं टंकन जांच में इनको फेल करार दिया जाएगा, ठीक है। प्रथम चरण में रिक्तियों के 3 गुना अभ्यर्थियों की टंकन जांच एवं आंसू लेखन परीक्षा ली जाएगी, यानी प्रथम चरण में रिक्तियों के 3 गुना अभ्यर्थियों की टंकन जांच एवं आंसू लेखन की परीक्षा ली जाएगी, ठीक है। और मुख्य परीक्षा के आधार पर मेगा सूची का निर्धारण, यानी मेरिट लिस्ट दोस्तों, वो प्रश्न 2 और प्रश्न 3 के विषयों को जोड़कर या तो फिर नॉर्मलाइज प्राप्तांक के जोगफल के आधार पर तैयार किया जाएगा दोस्तों, उसके बाद आपका चयन उसमें किया जाएगा, ठीक है। तो इतने सारे थे, उसके बाद मेगा सूची का जो भी दोस्तों आपका मापदंड है वो देख लेंगे कि इक्वल अंक लाने से क्या होगा, ठीक है। तो इन सब के विषय में मैं आप सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं डिटेल्स दूंगा, ठीक है। आप इसमें देख लीजिए कि अगर आप न्यूनतम अर्थांक से अगर आप कम लाते हैं, ठीक है, तो आपको परीक्षा में शामिल नहीं किया जाएंगे, यानी परीक्षा में निम्न न्यूनतम अर्थांक से कम लाने वाले अभ्यर्थियों को मेगा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। अगर आप जनरल से हैं तो आपको 40%, SC ST के लिए 32% और BC1 के लिए 34 और BC2 के लिए 36.5%, आदिम जनजाति के लिए 30% और EWS कंडीशन के कैंडिडेट के लिए भी 40%, और उपर्युक्त उपकंडिकाओं के आधार पर सामान्य मेगा सूची तैयार की जाएगी और उसके बाद रिक्तियों के सापेक्ष जो है वो दोस्तों आरक्षणवार मेगा सूची का यानी चयन सूची का गठित किया जाएगा। उसके बाद फिर दोस्तों आप लोगों का प्रमाण पत्र का सत्यापन भी किया जाएगा, ठीक है, और इस प्रकार से आपका इसमें प्रोसेस चलेगा। तो ये बहुत ही गुड न्यूज़ था कि इसमें आपको दोस्तों वो फिर से एक नया वैकेंसी भरने का मौका मिलेगा। अगर आप इतने सारे योग्य हैं और इतने सारे अर्हता को अगर आप धारण किए हुए हैं तो आपका इसमें नौकरी पक्की है। साथ ही साथ लास्ट बट नॉट लिस्ट इसमें हम लोग देखेंगे कि माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में दायर जो एक केस संख्या है रमेश हांसदा एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य में पारित अंतिम आदेश से इस विज्ञापन के अंतर्गत की गई अनुशंसाएँ या फिर नियुक्तियाँ प्रभावित होंगी, यानी दोस्तों जो केस जो चल रहा है उसके अधीन इसकी शर्त जो है वो अनुशंसा और नियुक्ति जो है वो प्रभावित हो सकती है। खैर ये सभी वैकेंसी में लिखा रहता है फिलहाल आजकल के लिए जो कि है रमेश हांसदा बनाम अन्य के लिए, ठीक है, तो ये तो होता ही रहता है। उसके बाद देख लीजिए आपका इस तरह से वैकेंसी निकल आया है। अगर आप अर्हता को धारण किए हुए हैं तो आप निर्धारित तिथि तक फॉर्म ज़रूर भर दें। चलिए मिलते हैं फिर एक और अपडेट के साथ, तब तक से फिर से आपको जय हिंद,